हरियाणा के 9 जिलों में पंच सरपंच के लिए शनिवार को वोटिंग हुई और इस दौरान कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आई। दरअसल रोहतक के गांव घरौठी में मतदान के दौरान दो पक्ष भिड़ गए। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले, हालांकि मामला शांत करवा दिया गया है। वहीं रोहतक के गांव पटवापुर में ईवीएम मशीन का बटन नहीं दबने को लेकर हंगामा हो गया। एक नंबर पर उम्मीदवार कीर्ति का निशान था, लेकिन आरोप लगा कि उनका बटन नहीं दब रहा है। जब चेक किया गया तो बटन नहीं दब रहा था और इस कारण ईवीएम मशीन बदलने का फैसला लिया गया, वोटिंग थम गई। इसी के साथ करनाल के गांव फतेहगढ़ में सुबह दो पक्षों में वोट डालने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों के बीच जमकर तेज धार हथियार चले। इस घटना में एक महिला और दो बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर नियंत्रण पाया। वहीं अंबाला में भी मतदान के दौरान दो पक्षों में भिड़ंत हुई। आरोप है कि सरपंच पद की प्रत्याशी महिला के पति मनजीत सिंह और पप्पू पोलिंग बूथ पर वोटर से पहले खुद बटन दबा रहा था, जिसका दूसरे प्रत्याशी नरेंद्र कौर के समर्थकों ने विरोध किया। इस पर उसने अपने समर्थकों के साथ हमला बोल दिया, रॉड से वार किए जिसमें दो लोगों को चोटें आई। बता दें कि हरियाणा के अंबाला और करनाल के अलावा चरखी, दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में वोटिंग हुई। इन जिलों के 57 ब्लॉक में 2683 सरपंच और 25655 पंच चुने जाएंगे। वोटिंग को देखते हुए संवेदनशील, अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर सामान्य पोलिंग बूथ से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।